हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू द JCERT DG स्कूल। इस वीडियो में हम सुनेंगे सिंधबाद की कहानी जो ली गई है द सेवन वॉयजेस ऑफ सिंधबाद द सेलर से, और ये अरेबियन नाइट्स के कलेक्शन ऑफ टेल्स में से एक है। सिंधबाद एक नाविक था जिसको अपने पेरेंट्स के द्वारा विरासत में बहुत धन दौलत मिला था, लेकिन शुरू में सिंधबाद ने अपने ऐशो आराम के लिए उस धन दौलत को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया। मगर बाद में उसने अपनी गलती को रियलाइज़ करते हुए व्यापार करने के लिए समुद्री यात्रा शुरू की, जिसमें उसकी बहुत सारी साहसी कारनामे भी शामिल थे। अपनी पहली समुद्री यात्रा में वो फंस गया था वेल आइलैंड में, जहाँ पर उसके साथियों ने सोचा कि सिंधबाद मर चुका है और उसे वहीं अकेला छोड़ दिया। लेकिन बहुत ही अद्भुत तरीके से सिंधबाद उस वेल आइलैंड से बच करके निकल जाता है। अब हम देखेंगे कि उसकी दूसरी समुद्री यात्रा में क्या हुआ, जो कि आपके बुक के यूनिट 5A में है, सिंधबाद द सेलर सेकेंड वॉयज, उसका पार्ट 1 देखेंगे। तो चलिए सुनते हैं सिंधबाद की दूसरी समुद्री यात्रा की कहानी, सिंधबाद की जुबानी। अबैंडन्ड ऑन एन आइलैंड, किसी एक द्वीप में, एक टापू में अकेले छूट जाना। टापू क्या होता है बच्चों? द्वीप, इट मीन्स कि जमीन का वह हिस्सा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, दैट इज कॉल्ड आइलैंड। एज यू नो दैट ऑन माई रिटर्न फ्रॉम माई फर्स्ट वॉयज I had decided to spend the rest of the days of my life quietly in Baghdad. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब मैं अपनी पहली समुद्री यात्रा से मैं लौटा, तो मैंने ये तय किया था कि अब मैं अपने घर बगदाद में ही शांति से जीवन अपना व्यतीत करूँगा। लेकिन Very soon I was worn out by such a worthless life and longed once more to find myself upon the sea. तो मैं बहुत जल्दी ही उस तरह के बेकार के लाइफ से मैं बोर हो गया था और मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं फिर से एक समुद्री यात्रा में जाऊँ। And so I entered for the second time in a good ship with other merchants whom I knew very correct men. तो फिर मैं कुछ अच्छे व्यापारियों को जानता था, उनके साथ मैं दूसरी समुद्री यात्रा के लिए निकल गया। We went from island to island also by making often profitable deals. हम लोग एक द्वीप से दूसरे द्वीप व्यापार के लिए जाने लगे और काफ़ी टाइम हमें बहुत फ़ायदा भी हुआ। Suddenly अचानक one day we landed at a spot where the land was covered with fruit trees and plenty of springs of excellent water. एक दिन हम लोग ऐसे टापू पर पहुँचे जो कि पूरी तरह से फलों से लदे हुए पेड़ों से ढका हुआ था और वहाँ पर बहुत सारे पानी के श्रोता भी थे। There were neither houses nor its habitants. वहाँ ना ही कोई घर था ना ही कोई हैबिटेंट्स भी दिख रहे थे। हैबिटेंट इट मीन्स कोई निवासी। वाइल माई कंपेनियंस, जबकि मेरे जो साथी थे, कंपेनियंस यानी साथी, वंडर्ड हियर एंड देयर फॉर गैदरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, वो लोग यहाँ वहाँ घूमने लगे फूल और फल इकट्ठा करने के लिए। आई सेट डाउन इन अ शेडी प्लेस टू टेक रेस्ट, तो मैं एक छायादार जगह में बैठ गया आराम करने के लिए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स आई फेल एस्लिप, और कुछ मिनटों के बाद ही मुझे नींद आ गई। आई डिडंट रिमेम्बर फॉर हाउ लॉन्ग आई स्लेप्ट, मुझे ये याद नहीं कि मैं कितनी देर सोया। बट व्हेन आई ओपन्ड माई आईज, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली एंड स्टार्टेड टू वंडर हियर एंड देयर, और मैं इधर उधर देखने लगा, आई वॉज शॉक्ड to find that I was alone in the ship. I was alone and the ship was no more in the sea. तो ये जान करके मुझे बहुत हैरानी हुई कि मैं उस समय
उस आइलैंड में अकेला था और शिप भी समुद्र में नहीं था। आई थॉट आई वॉज इन अ ग्रेट ट्रबल, तो मैंने सोचा कि मैं अब बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। एंड सो आई रश टू एंड फ्रो एंड वॉज कन्फ्यूज वट टू डू, तो मैं तेज़ी से मैं इधर उधर दौड़ने लगा, भागने लगा और बहुत ही उलझन में था, बहुत परेशान था कि मैं क्या करूँ आखिर। आई क्राइड आउट फॉर हेल्प बट देयर वॉज नो वन टू रिस्पॉन्ड, मैं मदद के लिए चिल्लाने लगा लेकिन वहाँ कोई नहीं था जो मेरी बात का जवाब देता। एंड वेन फ्रॉम द शोर, शोर शोर इट मीन्स किनारे, समुद्र तट पर आ करके मैंने देखा, आई सॉ द वेजल अंडर फुल सेल जस्ट डिसअपियरिंग अपॉन द हॉरिजन, तो मैंने देखा जहाज को, वेजल यानी जहाज को देखा जो बहुत ही तेजी से तैर रहा था और अभी वो जस्ट हॉरिजन में, वो क्षितिज में गायब ही होने पर था। क्षितिज इट मीन्स जहाँ पर देखने से ऐसा प्रतीत होता है आकाश और धरती मिल रहे हों, उसे क्षितिज कहते हैं। आई विश्ड बिटरली एनफ दैट आई हैड बीन सेटिस्फाइड टू स्टे एट होम इन सेफ्टी, अब उस समय मेरी बहुत बुरी तरह से इच्छा हो रही थी, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि काश मैं घर पर ही रुक जाता तो मैं सेफ रहता। बट सिंस विशेस कुड डू मी नो गुड, लेकिन जैसा कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ इच्छा रखने से ही अच्छा हमारे लिए नहीं होता है। आई प्रेजेंटली टुक करेज एंड लुक्ड हियर एंड देयर, करेज यानी साहस, हिम्मत जुटा करके उस समय उसने सिंधबाद ने इधर उधर देखा, देयर इन सर्च ऑफ अ मीन्स ऑफ स्केप, और फिर कहीं से कुछ उस जगह से सुरक्षित निकल जाने के लिए वो रास्ता ढूंढने लगा कि क्या करूँ आखिर। देन आई क्लाइम्ड अ टॉल ट्री एंड आई फर्स्ट ऑफ ऑल एम्ड माई वरीड लुक टूवर्ड्स द सी बट फाउंड नथिंग होपफुल देयर, फिर मैं एक लंबे से पेड़ पर चढ़ गया और बहुत ही परेशानी के साथ मैं मदद के लिए इधर उधर देखने लगा, बट नथिंग होपफुल फाउंड देयर, लेकिन वहाँ पर कुछ भी वैसा होपफुल नहीं दिखा, आशापूर्ण नहीं दिखा। सो आई टर्न्ड टूवर्ड्स द लैंड, तो फिर वो वापस नीचे पेड़ से उतरने लगा। एंड आई वॉज एक्साइटेड बाई अ ह्यूज ग्लिटरिंग वाइट ऑब्जेक्ट सो फार ऑफ दैट आई कुड नॉट मेक आउट वॉट इट माइट बी, तो जब मैं उस पेड़ से उतर रहा था उस समय मेरी नज़र एक चमकीले सफ़ेद चीज़ पर पड़ती है, तो उस समय मैं ये अंदाज़ा लगा नहीं पा रहा था कि आखिर वो है क्या चीज़। द रॉक्स एग, गेटिंग डाउन फ्रॉम द ट्री, जब मैं ट्री से उतरा, पेड़ से उतरा, आई क्विकली कलेक्टेड व्हाट हैड रिमेंड ऑफ फॉर माई रिक्वायरमेंट्स एंड लीव एज फास्ट एज आई कुड एंड वेंट टूवर्ड्स इट, तो मैं जब पेड़ से उतरने के बाद मैं जल्दी से, बहुत ही तेज़ी से जो कुछ भी मेरे ज़रूरत का सामान था सबको कलेक्ट किया और तेज़ी से उस चमकीले सफ़ेद चीज़ की ओर मैं भागा। एज आई केम नियर इट, इट अपीयर्ड टू मी टू बी अ वाइट बॉल ऑफ जायंट साइज एंड हाइट, जब मैं उस सफ़ेद चीज़ के सामने आया तो मैंने देखा कि वो सफ़ेद बॉल की तरह एक बहुत ही विशाल सा कोई ऑब्जेक्ट था। एंड व्हेन आई टच्ड इट, और जब मैंने उसे छुआ, आई फाउंड दैट इट वॉज टू स्मूथ एंड सॉफ्ट, तो मैंने पाया कि वो बहुत ही चिकना है और बहुत ही सॉफ्ट है, नर्म है, मुलायम है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्लाइंब इट, तो उस पर चढ़ना अब नामुमकिन था, बिकॉज देयर एग्जिस्टेड नो फुट होल्ड, क्योंकि अब उसमें मेरे पैर को रखने के लिए कुछ भी ऐसा जगह नहीं था। सो आई वॉकड ऑन टू इट, तो मैं उसके आसपास चलने लगा। आई वॉकड राउंड अबाउट इट टू फाइंड सम ओपनिंग बट देयर वॉज नन टू बी सीन,
मैं उसके चारों ओर घूमने लगा कि शायद मुझे कुछ खुली हुई जगह दिख जाए जहाँ से मैं अंदर जा सकूँ, लेकिन वैसा कुछ भी मुझे नहीं मिला। आई हावेवर काउंटेड दैट इट वॉज एट लीस्ट 50 स्टेप्स राउंड। तो मैं जब उस चीज़ के चारों ओर घूम रहा था, उस समय मैंने काउंट किया कि पूरा एक चक्कर लगाने के लिए 50 कदम होते हैं। जस्ट थिंक बच्चों कि 50 कदम यानी वो चीज़ कितना ज़्यादा विशाल होगा, कितना बड़ा होगा। बाय दिस टाइम द सन वॉज अबाउट टू सेट। तो उस समय सूरज ढलने ही वाला था। बट क्वाइट रैपिडली इट फेल डार्क, लेकिन बहुत तेज़ी से अंधेरा हो गया। देयर आई सॉ समथिंग लाइक अ ह्यूज ब्लैक क्लाउड कम ओवर मी। तो उस समय मैंने देखा एक बड़े से काले बादल के समान कुछ मेरे ऊपर आया। एंड आई सॉ विथ वंडर दैट इट वॉज अ बर्ड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज विच वॉज होवरिंग नियर। तो मैंने देखा बहुत ही आश्चर्य के साथ कि वो एक पक्षी था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइज का। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, सामान्य से कुछ ज़्यादा, कुछ बड़ा। वो मेरे ऊपर मंडरा रहा था, होवरिंग यानी मंडराना नियर मी। देन आई रिमेंबर दैट ऑफन द सेलर स्पीक ऑफ अ वंडरफुल बर्ड कॉल्ड अ रॉक। तब मुझे याद आया कि कई बार नाविकों ने एक ऐसे अद्भुत पक्षी के बारे में बात की थी जिसका नाम था रॉक। हो ना हो ये वही होगा। इट अकर्ड टू मी दैट द वाइट ऑब्जेक्ट विच हैड सो पजल्ड मी मस्ट बी इट्स एग्स। तब मुझे समझ में आया कि हो ना हो ये जो सफ़ेद ऑब्जेक्ट है ये उस पक्षी का ही अंडा है। श्योरली एनफ द बर्ड सेटल अपॉन इट कवरिंग इट विथ इट्स विंग्स टू कीप इट वार्म एंड वुड हैच इट। तो अब चूँकि मैं ये समझ गया था कि हो ना हो वो अंडा जो है उस पक्षी का ही है, तो अब वो उसके ऊपर बर्ड आएगा ही उसे गर्म करने के लिए और उसे हैच करने के लिए। एंड आई वॉज सिटिंग क्लोज बिसाइड द एग इन सच अ पोजिशन दैट वन ऑफ द बर्ड्स फीट वॉज एज अ लार्ज एज द ट्रंक ऑफ अ ट्री एंड वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ मी। तो मैं उस अंडे के बिल्कुल सामने एक ऐसे पोजीशन में जा कर के बैठ गया कि उस पक्षी का पैर जो कि पेड़ के तने के समान था बिल्कुल मेरे सामने होता, ताकि मैं खुद को उसके पैर से बांध करके खुद को सिक्योर कर पाता उस जगह। एडजस्टिंग माई सेल्फ आई सेटल सिक्योरली इन इट इन द होप दैट द रॉक व्हेन इट माइट टेक द फ्लाइट नेक्स्ट मॉर्निंग वुड कैरी मी अवे विथ इट फ्रॉम द डिजर्टेड आइलैंड। इस उम्मीद से मैंने उसके पैर से खुद को बांध लिया कि जब वो अगली सुबह को अपनी अगली उड़ान भरेगा उस समय वो भी मुझे अपने साथ इस डेजर्टेड आइलैंड से यानी निर्जन द्वीप से जहाँ पर कोई भी वास नहीं करता था वहाँ से मुझे लेकर के जाएगा। एंड दिस वॉज एग्जैक्टली व्हाट डिड हैपन। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। एज सून एज द सन रोज इन द मॉर्निंग, जैसे ही सुबह सूर्योदय हुआ, द बर्ड वॉक फ्रॉम इट्स नेस्ट टू द एयर कैरिंग मी अप एंड अप टिल आई कुड नो लॉन्गर सी द अर्थ। तो ऐसा ही हुआ, जैसे ही सुबह हुआ बर्ड मुझे लेकर के ऊपर आसमान में और ऊपर, इतना ऊपर उड़ा कि वहाँ से मुझे धरती दिखाई ही नहीं दे रही थी, मुझे लेकर के उड़ता चला गया। देन सडनली इट डिसेंडेड सो स्विफ्टली दैट आई ऑलमोस्ट लॉस्ट अवेयरनेस। तो जल्द ही बहुत तेज़ी से वो उतरा। डिसेंडेड स्विफ्टली इट मीन्स तेज़ी से उतरना, कि मैं भी अपना संतुलन उस समय खो चुका था, कि वो इतना तेज़ था कि मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, क्या हो रहा है। वैन आई बिकेम अवेयर, जब मैं ये जान पाया दैट द रॉक हैड सेटल्ड एंड
I was once again upon the solid ground कि रॉक बर्ड जो है वो एक जगह रुक गया है और मैं भी अभी एक सॉलिड ग्राउंड में हूँ. I quickly released myself from its foot. मैं जल्दी से खुद को उसके पैर से जो बांध के रखा था मैंने उसको रिलीज किया, छुड़ा लिया. एंड नॉट अ मोमेंट टू सून, और एक क्षण भी नहीं लगा तुरंत. फॉर द बर्ड, उस बर्ड ने पाउंस्ड अपॉन अ ह्यूज स्नेक एंड किल्ड इट विद अ फ्यू ब्लोज फ्रॉम इट्स पावरफुल बीक. वो तेजी से एक बड़े से सांप की ओर झपटा और अपने पावरफुल चोंच से उसको, उस सांप को पकड़ लिया. एंड होल्डिंग इट अप रोज अप इनटू द एयर वंस मोर एंड सून डिसअपीयर्ड फ्रॉम माय साइट. और अपनी पंजों से उस बड़े से सांप को पकड़ करके तेजी से फिर उड़ गया और मेरी आंखों के सामने ही वो ओझल हो गया. When I had looked about me, और जब मैंने खुद को देखा, I began to doubt if I had made a mistake by leaving the deserted island. तब मैं सोच में पड़ गया कि क्या मैंने उस deserted island को, निर्जन भूमि को छोड़ करके कहीं कुछ गलती तो नहीं की. So, अब हम देखेंगे कि उसने गलती की या नहीं. So, देखते हैं अभी कंप्रिहेंशन चेक वन का क्वेश्चन एंड आंसर. व्हाट डिड सिंदबाद डिसाइड ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम फर्स्ट वॉयज. उसने क्या तय किया था? यस, ऑन सिंदबाद्स फर्स्ट वॉयज ही डिसाइडेड टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ क्वाइटली इन बगदाद. कि वो बगदाद में बहुत ही शांति से अपना बाकी का लाइफ वो व्यतीत करेगा. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डिड सिंदबाद रियलाइज व्हेन ही गॉट अप फ्रॉम स्लीप. जब वो नींद से उठा तब उसने क्या पाया, क्या देखा? व्हेन सिंदबाद हैड गॉट अप फ्रॉम हिज स्लीप ही फाउंड हिमसेल्फ अबंडेंट अलोन इन दैट आइलैंड. जब वो नींद से उठा तब उसने देखा कि वो उस आइलैंड में, उस फ्रूट और पानी के स्रोतों से भरा आइलैंड में वो अकेला है. उसके सभी साथी उसको छोड़ करके जा चुके हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स. इसका अगला पार्ट हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि सिंदबाद ने उस आइलैंड को छोड़ करके गलती किया या सही किया. ओके.